हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट टूल्स के बारे में। मेज़रमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट। ओके दिनकर, दिव्यांशु गुप्ता, आस्था गुप्ता, अविरल तिवारी, फैज़ल, दिवस, ईशा, आशीष अरोरा, कुणाल, हर्ष राय, आशुतोष, कीर्ति, जोन्स, खुशी राज, ईशा, फैज़ान, हर्षित, हर्षिता, जोविता, आशीष शर्मा, दिव्या, देवान झा, ओके गरिमा गुप्ता, हिमांशु दीक्षित, आर्यन पांडे, जतिन, दिव्यांशु कुमार, कृष्णा। ठीक है, मैक्सिमम आ गए हैं, और जो नहीं आए जल्दी से अपना नेम मेंशन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गौरवी, जानवी, कृष्णा, क्षितिज ने ज्वाइन नहीं किया है शायद अभी तक, क्षितिज, कपिल, आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मेज़रमेंट टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेज़रमेंट क्या होता है। एक मेज़रमेंट का मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ, बाकी इसका जो अदर पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल जो वैल्यूज़ को हम मेज़र करते हैं और उनके लिए कौन कौन से टूल्स को हम यूज़ करते हैं इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल मीन्स इंडस्ट्री के रिलेटेड जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने जैसे ग्राफिक्स पढ़ी थी वहाँ पे, तो ग्राफिक्स में आए आप लाइंस का, लाइन को मेज़र करने के लिए सिंपल स्केल का यूज़ करते हैं, रोलर स्केल का यूज़ करते हैं, ड्राफ्टर का आप यूज़ करते हैं, एंगल मेज़रमेंट करने के लिए भी आप, या एंगल ड्रॉ करने के लिए ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं, अलग अलग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए ड्राफ्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ड्राइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेज़रमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं। तो हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, जैसे रूल्स की आप बात कर रहे हैं। रूल का मतलब क्या होता है? स्केल्स, स्केल है आपकी। सिंपल क्या होता है, हमें कोई लेंथ मेज़र करना है या कोई लाइन है उसकी लेंथ मेज़र करना है या हाइट मेज़र करना है, तो हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। आपका इंची टेप रहता है जिसको हम मीट्रिक टेप भी बोलते हैं, उससे हम हाइट मेज़र कर सकते हैं, लेंथ मेज़र कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी कारपेंट्री शॉप का काम होता है या कुछ भी शीट मेटल का वर्क होता है, वहाँ पर जो भी मेज़रमेंट करनी होती है तो उसमें हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, और आपने देखा भी होगा लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ टूल्स मेज़रमेंट के बारे में। तो मेज़रमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम मेज़र जब करेंगे तो कुछ एरर्स भी आती हैं, तो उन एरर्स को भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेज़रमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को स्केल के बारे में सबको पता होगा, तो हम अब डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पर वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर क्या होता है? आपका एक डिवाइस होती है जिससे आप इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं। तो पहले आप इस स्लाइड को जरा एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार रीड करिए, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको समझाना, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, ये आपको समझना होगा यहाँ पर। एक बार रीड कर लीजिए। देखिए, वर्नियर कैलीपर का पहले मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। ये आपकी एक वर्नियर कैलीपर है, यहाँ पर ये मेन स्केल होती है, ये वर्नियर स्केल होती है। ये एक आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसका डायमीटर मेज़र करना है तो आप किस तरह से मेज़र करते हो, यहाँ पे आप जॉ में इसको फिक्स कर देते हैं और यहाँ से हम उसका डायमीटर मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है और आपको उसका इनसाइड डायमीटर मेज़र करना है, तो इन जॉज को हम उस हॉलो डायमीटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से हम उसका डायमीटर मेज़र कर पाएंगे। ये आपने वर्नियर कैलीपर हुए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हुए, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको अभी याद ना हो, तो एक जनरल रिविज़न हो जाएगा आपका किस तरह से हम मेज़र करते थे डिवाइसेस को। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट।
कि आपकी स्केल का जो भी आप यूज़ कर रहे हो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स आते हैं जिनका लीस्ट काउंट अलग अलग रहता है, वो डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ डिवीज स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितनी मेज़र कर पा रहा है वो, ठीक है। ये होता है इसका लीस्ट काउंट। इट मीन्स क्या होता है, मेन स्केल का डिवीज़न अपॉन टोटल डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या फॉर्मूला, और हमने एक और पढ़ा है वर्नियर कैलिपर का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल की हम बात करते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। द वर्नियर स्केल हैज अ सर्टेन नंबर एन ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल इज इक्वल इन लेंथ टू अ डिफरेंट नंबर यूजली वन लेस ऑफ मेन स्केल। तो क्या बोल रहा है, वन लेस ऑफ मेन स्केल डिवीज़न होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि वर्नियर स्केल पर 50 डिवीजन्स हैं, तो मेन स्केल पर कितनी हो जाएंगी, एन माइनस वन मीन्स 49, कितनी हो जाएंगी आपकी, 49 डिवीजन्स हो जाएंगी। तो एक जनरली लेस होता है यहाँ पे, ये वन लेस क्यों होता है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड को आप पढ़ें अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, वन स्मॉल डिवीज़न ऑन मेन स्केल इक्वल टू 1 mm। मेन स्केल पर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न मान लीजिए 1 mm है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न वर्नियर स्केल पर कितनी है, 50 है। तो हम क्या बोलेंगे, 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 49 डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ईच डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 अपॉन 50 mm। तो लीस्ट काउंट का जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपने पढ़ा है, वो है आपका लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू, मीन्स हमको यहाँ पे वन वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, एन माइनस वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीज़न। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा, वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाया हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया, फिर मैं एक आपको आपको सॉल्व करने को एक प्रॉब्लम दे दूंगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो ये आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन को आप रीड कर लें किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्नियर स्केल हैज़ द लेंथ ऑफ 9 स्केल डिवीजन्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन्स, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब आपकी वर्नियर स्केल डिवीज़न कितनी हो गई है, 9 अपॉन 10, ओके। क्योंकि जनरली ये वन लेस देन वन है यहाँ पे, तो आंसर क्या मिला, 0.9 mm। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो क्या कर दिया हमने, 1 mm में से 0.9 mm को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 mm। तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब अभी इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये लीस्ट काउंट कैसे आया है और क्या फॉर्मूला होता है इसका। किसी को भी जल्दी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे, एक ये मैंने आपको समझा ही दिया है, एक मिनट, इसमें और कोई पार्ट रह गया, ठीक है। और जितने भी ये है मैंने आपको समझा दिया है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ओके आर्यन आपको समझ में आ गया है। अब आ जाइए, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, आपने वर्नियर स्केल देखा भी होगा स्कूल में, ठीक है। इसका एक मिनट, ऑब्जेक्टिव मैं आपको देख लेता हूँ यहाँ पे गिवन है या नहीं, चेक कर लेता हूँ, नहीं शायद इसमें गिवन नहीं है, मैं आपको ओपन कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है आपका, रीड करो इस क्वेश्चन को। द वर्नियर रीडिंग शुड नॉट बी टेकन एट इट्स फेस वैल्यू बिफोर एन एक्चुअल चेक हैज़ बीन टेकन फॉर, ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में से क्या आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ये हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन है आपका जीरो एरर, इट्स कैलिब्रेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्लैटनेस ऑफ मेजरिंग जॉ, और फोर्थ है आपका टेम्परेचर इक्वलाइजेशन। तो देखिए टेम्परेचर का वर्नियर स्केल से कोई मतलब नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे ही रिमूव हो जाएगा।
फ्लैटनेस ऑफ मेजरिंग जॉ, तो ये यहाँ पे ये जो जॉ है अगर ये मीन्स इम्प्रॉपर होंगे, ये इनके डिफेक्ट होगा, तो हम बोलेंगे हमारी वर्नियर स्केल में डिफेक्टेड है, तो हम उसको यूज़ में ही नहीं लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर होगा आपके वर्नियर स्केल में, तो हम उसको यूज़ में ही नहीं लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कैलिब्रेशन, तो अगर आपकी वर्नियर स्केल कैलिब्रेट नहीं है, तो भी हम मानते हैं कि वो एरर हम यूज़ नहीं में नहीं लेते हैं उसको कैलिब्रेट, अगर प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज़ीरो एरर, मीन्स उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर है तो आपका आंसर क्या आएगा, इनकरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखिए इसको आप, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैचिंग विथ 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको वो समझना है हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको फॉर्मूला पता होगा लीस्ट काउंट का, देख लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला बताया था लीस्ट काउंट का, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है लास्ट में, वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। अब एन क्या है यहाँ पे, एन आपको समझना है, हम डायरेक्ट एन की बात करते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है आपके इस क्वेश्चन में, तो ये देख लेते हैं। तो एन आपको गिवेन है क्वेश्चन में, वर्नियर एन का मतलब होता है वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं, तो यहाँ पर आपको गिवेन है 25। तो आपका आंसर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वन अपॉन 25 इंटू मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितनी है 0.5, तो आंसर आएगा आपका 1/25 इंटू 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है वर्नियर कैलिपर से इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करता है ये भी आप देख लीजिए, ये कुछ एनिमेटेड डायग्राम है यहाँ पे। रैचिड आपका मतलब यहाँ पे देखा होगा आपने, फिक्स कर देते हैं इसको हम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है थिम्बल, ये इसके ऊपर स्लीप के ऊपर रोटेट करता है, ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है डायग्राम में यहाँ पर, ठीक है। ये लॉक नट है यहाँ पे, इसको जब हम लॉक कर देते हैं एक बार फिक्स कर देते हैं, आप यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसका डायमीटर मेज़र कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है माइक्रोमीटर और वर्नियर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम बहुत जो स्मॉलर डायमीटर भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिवीज़न आप जब कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट आप यहाँ पे मेज़र कर पा रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट, तो ये आपका लीस्ट काउंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देख पा रहे हैं इस डायग्राम में जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये है इसका लीस्ट काउंट, जहाँ जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम मेज़र कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इस डाइग्राम यहाँ पे पहले समझ लो आप इसकी, आपको पता है इसकी यूज़ क्या है, वर्किंग क्या है। इट अलाउ मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ बॉडी, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मैकेनिकल डिवाइसेस इन कॉमन यूज़, इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल एंड अ थिम्बल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे वायर, हमको वायर का डायमीटर मेज़र करना है, तो हम वायर का डायमीटर मेज़र करने के लिए माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से कैलकुलेशन की गई है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला मैं एक न्यूमेरिकल से ही समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन में गिवन है एक माइक्रोमीटर है, इसमें पिच दी हुई है आपको 0.5 mm, एंड डिवीज़न ऑन थिम्बल इज़ 50, मीन्स इसके डिवीज़न आपको दिए हैं 50, टोटल आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 50 डिवीज़न है, 45 तो आपको दिख ही रहा होगा, और 45 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो जहाँ पे जीरो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा 50, तो टोटल डिवीज़न कितने हैं 50। द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 5 डिवीज़न ऑन बैरल एंड 12 डिवीज़न ऑन थिम्बल इज़ आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पिच का मल्टीप्लाई हम करेंगे डिवीजन्स में, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। आपको ये पता होगा हम मिनिमम, जैसे यहाँ पे 5 डिवीज़न लिए बैरल में, तो ये 5 डिवीज़न हम देखेंगे,
ठीक है, तो 5 डिवीजन में हम पिच का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पिच कितना है हमारा, पिच है 5 इंटू 0.5, ठीक है। फिर 12 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 का यहाँ पे, क्योंकि ये 12 डिवीज़न उससे मैच कर रही है, तो 12 में हम 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे वहाँ पर, तो आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप सॉल्व करना और मैच करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस एक बार चेक करके देखिएगा। तो आपका देखिए डी तो नहीं हो सकता है, इन तीनों में से ही होगा, तो एक बार चेक करना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आ जाते हैं हम डायल इंडिकेटर, तो डायल इंडिकेटर से पहले मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ। यहाँ पर डायल इंडिकेटर एक्चुअल में किस तरह से दिखता है आपका, यहाँ पर वो मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डायल इंडिकेटर को, देखिए ये आपका डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, हम किसी भी सरफेस को चेक करते हैं कि आपकी सरफेस फ्लैट है या नहीं है, ये हमको चेक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा सरफेस फ्लैट है या नहीं, अब कितनी फ्लैट है या कितना उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है। अब कैसे मिलती है समझना, ये डायल इंडिकेटर आप देख रहे होंगे, इस डायल इंडिकेटर को हम सरफेस पे मूव कराते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स पूरी सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जब आप मूव कराओगे तो ये जो आपका प्लंजर है, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स ये वाली जो डायमेंशन आपकी यूनिट है ये अंदर जा रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग मिल जाएगी। जो रीडिंग मिल जाएगी उससे हमको पता चल जाएगा कि आपकी जो सरफेस है उसमें कितना डिफ्लेक्शन या कितना चेंज है फ्लैट सरफेस के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोग चेक करते हैं, आप हमारे घर में जो टाइल्स लगी रहती हैं, अब टाइल्स बिल्कुल जो इतनी भी टाइल्स घर में लगी हुई हैं यूज़ हो रही हैं, वो सब फ्लैट है या नहीं, या उनमें कुछ चेंज है या नहीं, तो हम यूज़ करेंगे डायल इंडिकेटर का। तो यहाँ पे डायल इंडिकेटर को हम उस टाइल्स पे मूव कराएंगे। अब टाइल पे कैसे मूव कराते हैं, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको हैंड पे मूव कराते हैं, तो एक इसका स्टैंड आता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जरा सा प्रेशर पड़ने के साथ ही, इसका पे लोड पड़ने के साथ इस प्लंजर की वैल्यू डिफ्लेक्ट हो जाती है, प्लंजर क्या होगा रेसिप्रोकेट कर जाएगा। अगर प्लंजर रेसिप्रोकेट कर जाएगा तो यहाँ पे हमको ये रीडिंग शो करने लगेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हमको डायमेंशन मिल जाती हैं। अब आप इसमें डाइग्राम देख लीजिए, ये डाइग्राम है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेडियल क्यों हो रहा है, रेडियल में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका लीनियरली मूव कर रहा है और ये हमको रेडियल मीन्स वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, हम जो भी इंडस्ट्री में वर्क पीस बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर हमारा वर्क पीस जो बनाया है, हमने फ्लैट बनाया है या नहीं बनाया है, या जितनी भी हमको लेंथ चाहिए थी या कुछ उसमें डिफ्लेक्शन चाहिए था, वो डिफ्लेक्शन उस लेंथ पे मिला है या नहीं मिला है, तो वो सब हम डायल इंडिकेटर का यूज़ करके चेक करते हैं, ठीक है। और जनरली डायल इंडिकेटर को हम किसी स्टैंड पर फिक्स करते हैं और फिर उस स्टैंड के थ्रू उसको वर्क पीस पर मूव करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हैंड से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी वैल्यू आप, और आपको डिफरेंट वैल्यू मिलने लगेगी। नेक्स्ट आपका आता है स्लिप गेज और गेज ब्लॉक। स्लिप गेज का मतलब क्या होता है, किसी भी डिवाइसेस की हाइट मेज़र करना। तो पहले आप देख लो यहाँ पे इमेज में स्लिप गेजेस होते क्या हैं। ये होते हैं हमारे स्लिप गेजेस, ये एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में अलग अलग डायमेंशंस की, आप देख रहे हैं अलग अलग डायमेंशंस के एक क्यूबॉइड बॉक्स रहते हैं, इसलिए इनको हम गेज ब्लॉक बोलते हैं। एक ब्लॉक रहते हैं अलग अलग डायमेंशंस के, ये इस तरह बॉक्स में रहते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है, जब कभी हम मिलेंगे तो ये मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर किस तरह से ये रहते हैं, कितने इनकी डायमेंशंस रहती है यहाँ पर शो है। तो अब क्या यूज़ क्या है इनका, मान लीजिए आपको कुछ डायमेंशन या हाइट मेज़र करनी है, इसी बॉक्स की हाइट मेज़र करनी है। अब मुझे तो इनकी लेंथ पता है, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है और कुछ डिवाइसेस भी नहीं है, सिर्फ ये डायल गेज है और मुझे इसकी हाइट मेज़र करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इन डायल गेज सॉरी इस स्लिप गेजेस को मैं ये रखता जाऊंगा एक के ऊपर एक, और यहाँ से हाइट मेज़र हम कर लेंगे,
ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको 41.125 के स्लिप गेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी डायमेंशंस के स्लिप गेजेस हम लेंगे वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये लिया है 4 यूनिट का, मीन्स 4 mm का यूज़ किया है हमने। तो ये पहला वाला हो गया आपका 4 mm का। नेक्स्ट हमने फिर यूज़ किया है 1.005 थिकनेस का, ये थिकनेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग स्लिप गेजेस की थिकनेस दी हुई है हमको, हमको टोटल कितनी हाइट बनाना है 41.125। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्लिप गेजेस को हमको यूज़ करना है कि 41.125 की हमको हाइट मिल जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया 4 mm थिकनेस का, फिर यूज़ किया 1.005 थिकनेस का, देन 1.020 का, उसके बाद 1.100, फिर 4 का, उसके बाद 30 का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से जब ये पूरी यूज़ किया तो ये आपका इस तरह से पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। तो ये टोटल आपकी हाइट कितनी हो गई है 41.125। तो यहाँ से आप अलग अलग स्लिप गेजेस का यूज़ करके डायमेंशंस आप बना सकते हो, हाइट बना सकते हो, ठीक है। और आप हाइट मेज़र कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे अलग अलग थिकनेस की, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब इसमें किसी को डाउट हो अभी तक जितना पढ़ाया हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो दीक्षांत, कपिल, दिव्यांशु, कुणाल सियारे, गहना, आयुष गांगेल, दिवश गुप्ता, अतिशय, केतन, गौतम, देव, अरशद, हिमांगी, जिन जिन के नाम ले रहा हूँ प्लीज़ अगर ओके। क्षितिज कहाँ थे इतनी देर से? भरत आ रहा है समझ में, अरशद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमने बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस की, ठीक है। टोटल कितने आपके पीसेस होते हैं ये आपके यहाँ पे अलग अलग गेजेस में आते हैं, इस पूरे बॉक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये गिवेन है यहाँ पे, इसका एक पीस रहता है यहाँ पे 0.001 से लेकर 0.009 तक, इंक्रीमेंट के साथ साथ 9 पीसेज हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.010 से 0.490 तक कितना इंक्रीमेंट के साथ, 0.10 के इंक्रीमेंट के साथ 49 पीसेज हैं। 0.5 से 9.5 तक कितने इंक्रीमेंट के साथ, 0.5 के इंक्रीमेंट के साथ 19 पीसेज अवेलेबल हैं। 10 से 100 तक 10 के इंक्रीमेंट के साथ 10 पीसेज अवेलेबल हैं इस बॉक्स में, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसकी टोटल जो थिकनेस है वो है आपकी यहाँ पे, ये वाली जो लेंथ है वो 100 है, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आपको? तो ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हैं ये 100 है आपकी। तो यहाँ पे गिवेन है मैक्सिमम 100 का रहता है। टोटल कितने हैं आपके, जैसे 10 पीस हैं आपके यहाँ पर, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 इस तरह से पीसेज रहेंगे आपके। तो ये तो हो गया आपका स्लिप गेजेस। नेक्स्ट फिलर गेज। फिलर गेज का मतलब होता है जैसे कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अगर कुछ क्लियरेंस है या कुछ गैप है तो उस गैप को मेज़र करने के लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप ये ब्लेड्स देख रहे हैं, इन ब्लेड्स की अलग अलग थिकनेस है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थिकनेस लिखी भी हुई है इन ब्लेड्स पर, तो इनकी अलग अलग थिकनेस है। मान लो आपको कोई क्लियरेंस मेज़र करना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट में ही कोई एक पोर्शन है जहाँ पे एक थोड़ा सा क्लियरेंस है, उसको क्लियरेंस मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे इन फिलर गेज को इंसर्ट करेंगे उस गैप में। जैसे मान लीजिए मैंने एक फिलर गेज को इंसर्ट किया, फिर
फिर भी उस गैप को फिल नहीं कर रहे, तो मैं दूसरी फिलर गेज को इंसर्ट करूँगा यहाँ पर, फिर भी फिल नहीं कर रही है, तो हो सकता है मैंने तीसरी फिलर गेज को इंसर्ट किया, तो हो सकता है वो इंसर्ट ही नहीं हो रही। इट मीन्स क्या हो गई, अब थिकनेस ज़्यादा हो गई, तो मैं क्या करूँगा, अब उससे कम थिकनेस वाली फिलर गेज को इंसर्ट करूँगा। इस तरह से हम अलग अलग फिलर गेज थिकनेस का यूज़ करके सॉरी उस क्लियरेंस को हम मेज़र कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो ये फिलर गेज इसी के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियरेंस मेज़र करने के लिए। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या फंक्शन है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप। कुछ लिमिट गेजेस होते हैं यहाँ पे, लिमिट गेजेस का मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए स्नैप गेज का यूज़ किया जाता है। ये जनरली बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जो जो सिलेबस में है वो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जाते होगे रिंग बनवाते हैं आप लोग ज्वेलरी शॉप पे, तो वो लोग आपके साइज़ फिंगर का साइज़ मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे उनके पास भी क्या रहता है, रिंग गेजेस रहता है। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल डायमीटर मेज़र करते हैं आपके रिंग का, डायमीटर मेज़र मीन्स आपके फिंगर का डायमीटर मेज़र करते हैं वो, तो इसको हम बोलेंगे रिंग गेज। गैप गेजेस हैं, अलग अलग थ्रेड्स मेज़र करने के लिए होता है, तो ये कुछ गेजेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब आता है एंगल मेज़रमेंट करने के लिए, तो ये हम पढ़ते हैं एंगल मेज़रमेंट करने के लिए। आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हो जनरली, एक वेवल प्रोटेक्टर होता है, वहाँ पर उसको हम अलग अलग एंगल पर भी इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। तो देखो पहले आप उसका डाइग्राम, ये है इसका वेवल प्रोटेक्टर का डाइग्राम, तो इसमें आपकी स्केल भी है, इंडिकेटर भी है, काफ़ी कुछ है, तो इसको हम वेवल प्रोटेक्टर इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल मेज़र कर सकते हैं इजीली। ये आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, ओके okay, तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वहाँ पर एंगल मेज़र कर सकते हैं मशीन शॉप में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइन बार में। साइन बार का मैं पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ यहाँ पे, फिर हम समझेंगे, इसी वापस स्लाइड में जाएंगे। साइन बार आप देख लो यहाँ पे, ये आपका एक डायग्राम है साइन बार का। ठीक है, तो जब साइन बार की बात आती है, तो साइन बार में आपसे कभी पूछा जाए कि साइन बार की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे साइन बार की लेंथ हम डिफाइन करते हैं इनके रोलर के डिस्टेंस से, मींस रोलर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम डिसाइड करते हैं कि इनकी लेंथ आपकी साइन बार की लेंथ कितनी है। अब साइन बार को यूज़ क्यों करते हैं, उसको साइन नाम क्यों दिया गया है, तो साइन बार का यूज़ है किसी भी डिवाइसेस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब कैसे मेज़र करते हैं आप इस डायग्राम में समझना और साइन का कॉन्सेप्ट समझना आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस है आपका, इस तरह से एक इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट प्लेस है और आपको उसकी एंगल को मेज़र करना है। ठीक है, तो समझना आप, ये जो लेंथ है ये साइन बार की लेंथ है, और इस लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रोलर्स। ठीक है, अब ये जो आप हाइट देख रहे हो, इस हाइट को हमने बनाया है स्लिप गेजेस का यूज़ करके। अभी मैंने आपको स्लिप गेज समझाया था, स्लिप गेजेस को हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। कब तक रखते जाएंगे, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रेट, उसके बराबर तक हम साइन बार को रखते जाएंगे, और फिर एक रोलर को हम ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे रोलर को हम कहाँ पे रखेंगे, आपके स्लिप गेज के टॉप पे रखेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ से हाइट मिल जाएगी। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये एंगल फाइंड करना है और आपको हाइट पता है और लेंथ पता है। अब हाइट कैसे मिली है आपको, हाइट हमको मिली है स्लिप गेजेस का यूज़ करके। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ थीटा फाइंड करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे, तो आप लगाओगे यहाँ पे साइन। वाई साइन, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेनियस भी पता है, मीन्स लेंथ ऑफ साइन बार भी पता है आपको, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है साइन बार। ओके, तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, थीटा ये है आपका, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये डायगनल, मीन्स इसको नाम दिया है यहाँ पे, तो इस तरह से हमने फाइंड किया। अभी डायग्राम को आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये स्लाइड मैं ये भी अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, साइन बार का किस क्या है, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैंने इसको आपको बेसिक बता दिया है किस तरह से ये काम करता है और इसका नाम साइन बार क्यों पड़ा है। ठीक है, अब दोबारा हम स्लाइड पर आ जाते हैं।
ये देख लीजिए आप साइन बार। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस तरह से हम मेजर करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का आपको एंगल फाइंड करना है कि इसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर प्लेस कर दिया। अब आप देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या प्लेस है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने प्लेस किया है डायल गेज को। डायल गेज को क्यों प्लेस किया है, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली फ्लैट रखा है या नहीं रखा है, मतलब आपकी ये जो रीडिंग है ये ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं, जब ये ज़ीरो हो जाएगी इट मीन्स आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट है। अब कैसे कैसे हम पता करते हैं ये ऑब्जेक्ट फ्लैट है या नहीं, तो यहाँ पर हम अलग अलग स्लिप गेजेस को रखते जाते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग जितने भी मेजरिंग टूल्स हमने पढ़े हैं उन सब का एक साथ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम अलग अलग टूल्स स्लिप गेजेस को रखते जा रहे हैं, पहले यहाँ पे रखा, फिर मान लीजिए कुछ स्लिप गेजेस को यहाँ रखा, फिर देखा क्या क्या ये फ्लैट हो रहा है, तो हमने चेक किया मान लो नहीं हो रहा है फ्लैट, तो फिर से हमने और स्लिप गेजेस को रखा। तो हम जब तक स्लिप गेजेस को रखते जाएंगे जब तक आपका ये डायल गेज से हमको पता नहीं चल जाता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट फ्लैट हुआ है या नहीं हुआ है, और हमको यहाँ से एंगल मिल जाएगा। उसके बाद जब हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो हम ये एंगल फाइंड करेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे हाइट कितनी है। हाइट आप तो ये तो नहीं बोलोगे कि ये टोटल हाइट है, आपकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट माइनस लेफ्ट साइड वाली हाइट, ये इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। और लेंथ क्या है, लेंथ है आपकी, लेंथ ऑफ द साइन बार मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रोलर्स। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एच अपॉन एल, ओके। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये आपकी साइन बार की थ्योरी है, इसको आप पढ़ लेना, मैं ये भी अपलोड कर दूंगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लें। यहाँ पर एक साइन बार है जिसमें लेंथ दी हुई है 250 mm, लेंथ मतलब सेंटर टू सेंटर लेंथ दी हुई है आपको 250 mm, डायमीटर दिया हुआ है रोलर का 20 mm। तो देखो यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डायमीटर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, इस रोलर के डायमीटर से हमें फॉर्मूले में कोई यूज़ ही नहीं होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाओ आगे, फिर दिया हुआ है हाइट दी हुई है सरफेस से 100 mm, हाइट आपको कितनी दी हुई है 100 mm। तो यहाँ पे अब इसने ये नहीं लिखा है कि लेफ्ट साइड में भी कुछ हाइट है, उसने सिंपल बोला है कि यहाँ से सरफेस से टोटल जो हाइट है आपकी 100 mm है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 100 अपॉन 250, और फिर हम सॉल्व करेंगे थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 100 अपॉन 250। तो आप लोग सॉल्व करके चेक करना कि क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो भी मेजरिंग टूल्स बताए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब आपको जितने भी मैंने अभी तक कोई टूल्स बताया उनके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन, किसी भी टूल के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए यहाँ पर जल्दी से। मैं एक काम करता हूँ वन बाय वन नेम लेता जाऊँगा, वही आप वही मेंशन करेगा, वेट कर लीजिए, अभी मैं एक बार नेम लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी कमेंट मत करना, मैं एक बार नेम ले रहा हूँ फिर आप स्टार्ट करना। फैजल एक मिनट, फैजल एक मिनट, मैं नेम लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप पूछिएगा, वेट करो फैजल। अरशद आप बताइए, हाँ फैजल आपको मैं रिपीट कर दूँगा, एक मिनट केतन रुक जाओ, जब मैं नेम लूँगा तभी आपको बताना है।
अर्शद आपको कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आर्यन पांडे। ओके अर्शद आप जा सकते हैं। आर्यन पांडे, आर्यन पांडे, आशीष अरोरा। ठीक है, आशीष अरोरा। ओके, आशीष शर्मा। आशीष शर्मा, आशुतोष, आस्था, अतिशय। देखिए रॉलर का मतलब होता है यहाँ पे, ओके आशीष शर्मा को टिक कर देता हूँ पहले मैं। यहाँ पे रोलर देखो आप, रोलर का मतलब होता है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ पे रोलर को रखेंगे तभी तो ये प्रॉपरली इसके ऊपर मैच कर पाएगा। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं आस्था। आस्था आपको कोई डाउट? ठीक है आशुतोष, आपका डाउट क्लियर होगा, हुआ होगा। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं और इसको ऊपर प्लेस करने के लिए, अदरवाइज नहीं तो हम प्लेस कैसे करेंगे। अतिशय का हो गया है क्लियर। अविरल तिवारी, आयुष गांगिल, भरत राठौर। आस्था आप शायद वॉच नहीं कर रही हैं, इट मीन्स अविरल तिवारी। ओके, आयुष गांगिल, भरत राठौर, ओके ठीक है आस्था। ओके भरत, आयुष गांगिल, आपका रिप्लाई नहीं आया। भरत के बाद देव एंड देवांश, देव एंड देवांश झा, दीक्षांत, दिनकर, ओके दिनकर, देवांश, दीक्षांत, ओके ओके देवांश, देव मित्तल, आयुष गांगेल। एक मिनट गरिमा रुक जाओ, अभी आपका जब नेम आएगा तब आपको बोलना है। दिवस, दिवस, दिव्या मिश्रा, दिवस, दिव्या मिश्रा, दिव्यांशु गुप्ता, बोथ, दिव्यांशु कुमार, देव मित्तल। आपका कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है ओके, जिस दिव्या हो गया है, दिवस हो गया है, दिव्यांशु गुप्ता, दिव्यांशु गुप्ता, दिव्यांशु कुमार, ओके दिव्यांशु कुमार, ईशा गुप्ता, ईशा गुप्ता, फैजल। फैजल आप अपना डाउट पूछिए। फैजन, फैजन आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गहना, एक मिनट रुक जाओ आप। ओके फैजन के बाद गहना, ठीक है ओके गहना, यू कैन गो। न्यूमेरिकल कौन सा वाला? फैजल आपको कौन सी न्यूमेरिकल में डाउट है? देखिए इस न्यूमेरिकल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम साइन थीटा लगाएंगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो आपको हो जाएगा 100 बाय 250। वाई 100 बाय 250, हाइट कितना है आपका?
हाइट कितनी है आपकी? 100। ये देखिए गिवन है हाइट 100 है और लेंथ कितनी है? 250। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 100/250। इसको फिर सॉल्व कर लेना और मैच कर लेना कौन सा आंसर आ रहा है आपका। दिव्यांशु गुप्ता 69। ओके फैजन आप जा सकते हैं, सॉरी फैजल आप जा सकते हैं। गरिमा गुप्ता 76, 77। गौरव श्रीवास, गौरवी, रोल नंबर गरिमा गुप्ता या रोल नंबर 76 और 77 प्लीज मेंशन। गौरव श्रीवास, ओके नो डाउट, गौरवी नो डाउट, गौतम, गौतम, हर्ष राय, हर्ष जैन, कुणाल रुक जाइए अभी, कुणाल रुक जाओ अभी, गौतम हो गया यहाँ पे, ओके 76 एंड गरिमा गुप्ता 77, गरिमा गुप्ता 77, हर्ष राय, आशीष शर्मा, यस जिसका हो गया है वो जा सकता है, जिसका भी टिक हो गया है वो जा सकता है, हर्षित जायसवाल, हर्षिता, ओके लास्ट वाला न्यूमेरिकल में था वो, ओके क्लियर हो गया होगा, हर्षिता शर्मा, ठीक है फैजान टिक कर दिया मैंने आपका पहले ही, फैजान आप जा सकते हैं, मैंने टिक कर दिया है। दिव्यांशु गुप्ता 69 अभी टिक नहीं हुआ है, दिव्यांशु 69, देव मित्तल, आयुष गांगेल, ये टिक नहीं हुए हैं अभी तक, एंड गरिमा गुप्ता 77, हर्षिता, हिमांगी, हिमांशु, जानवी, जतिन, जयेश, हिमांशु, ओके, जतिन, ओके ओके हिमांगी, हर्षिता, जानवी, आपको कोई डाउट? जयेश, जोन्स, जोविता, जानवी, ओके जोन्स, जयेश, गरिमा गुप्ता आप रोल नंबर कौन सी वाली हो प्लीज नेम मेन मेंशन करो। यस हर्षरा यू कैन गो, हर्षरा यू कैन गो, हर्षिता ओके, जयेश टिक हो गया है, ओ सॉरी जानवी आपका नहीं आया है, ओके हिमांगी यू कैन लीव, जानवी एंड जयेश, जतिन यू कैन गो, जोविता, ओके जानवी, आप रिप्लाई टाइम पर करा करें जब भी मैं नेम ले रहा हूँ जिसके, जयेश, ओके हर्षिता यू यू कैन लीव, हर्षिता, जयेश, जोविता ओके एंड यू कैन गो, कपिल, ओके हर्जन आपका भी टिक हो गया है, कीर्ति साहू, हाँ दीक्षित आपका हो गया है, कीर्ति साहू, जयेश कटारे आपका टिक नहीं हुआ है, जयेश कटारे एंड गरिमा गुप्ता रोल नंबर, गरिमा गुप्ता रोल नंबर 77 आपका भी टिक नहीं हुआ है,
ओके कीर्ति साहू यू कैन गो, ओके केतन यू कैन गो, खुशबू यादव, खुशबू यादव, खुशी चांडिल, खुशी राज, ओके ओके कीर्ति साहू यू कैन गो, खुशी चांडिल, खुशी राज, ओके खुशी सोनी, कीर्ति मूलचंदानी, ओके मैं कीर्ति आपको स्लिप गेस समझा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना आप। कृष्णा, क्षितिज, खुशबू यादव, ओके यू मे लीव, खुशी चांडिल, कृष्णा, क्षितिज, कुणाल एंड कुणाल। ठीक है, फिलर गेस भी रिपीट कर देता हूँ, बाकी 1 मिनट जो लोग पहले आप लोग चेक कर लूँ मैं। ठीक है कृष्णा आप जा सकते हैं, कुणाल शर्मा एंड सियारे, कीर्ति और क्षितिज आप वेट करो, मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूँ। ठीक है कुणाल एंड कुणाल शर्मा, यस यस जिसका हो गया है डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। खुशी सोनी, यस आपका टिक हो गया, यू कैन गो। मैं बता देता हूँ कौन कौन अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, खुशी चांडिल, जयेश कटारे, खुशी चांडिल, जयेश कटारे, हर्ष भार्गव, दिव्यांशु गुप्ता 69, देव मित्तल, आयुष गांगिल। ओके अब आप लोग समझ लें, आप दोनों के डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके एक मिनट, ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स को। तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले फिलर गेज जल्दी से बता देता हूँ, फिलर गेज देखो ये यश जी कौन है यहाँ पर, जब से कॉल कर रहा था मैं तब नहीं थे, अब मैंने अपसेट कर दिया है यहाँ पर। जो भी है फिलर गेज देखो, फिलर गेज का मतलब होता है आप जब से थे तो मैं आपको कितनी बार कॉल किया, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो। अब वेट करो थोड़ा, आप लास्ट तक वेट करो यहाँ पर। फिलर गेज में देखो, फिलर गेज का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थिकनेस को मेज़र करना है जब उसमें कुछ क्लियरेंस हो। क्लियरेंस का मतलब कुछ गैप हो, कुछ एक गैप को मेज़र करना। ठीक है तो गैप का मतलब क्या होता है, आप जैसे आपने देखा होगा आपके कोई गेट, आप डोर को देखना, डोर और डोर का जो आपका फिक्स हिंज सब रहता है उसके बीच में कितना गैप है वो अगर आपको मेज़र करना है तो आप इस फिलर गेज को उसमें इंसर्ट कर दोगे। तो इसकी अलग अलग थिकनेस कि आपके पास गेजेज हैं। ठीक है जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो आपको वहाँ से थिकनेस मिलती जाएगी। आपने मान लीजिए एक इंसर्ट करी और वहाँ से अभी भी गैप बच रहा है तो आप एक और बढ़ा दोगे। इस तरह से आप जब तक बढ़ाते जाओगे जब तक वो गैप कम ना हो जाए, मतलब बराबर मैच ना कर जाए, और कहीं अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम अलग अलग थिकनेस की फिलर गेज को यूज़ करेंगे। ठीक है तो सिंपल से मतलब क्या है, ये गैप को मेज़र करना। नेक्स्ट आपका कीर्ति, स्लिप गेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये है आपके स्लिप गेजेस। तो स्लिप गेज का मतलब क्या होता है आप इसी डायग्राम से समझो, ये एक एप्लीकेशन है स्लिप गेज का, ये देखिएगा यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हम कर रहे हैं तो इसका एंगल हमको मान लो मेज़र करना है, तो इसको एंगल मेज़र करने के लिए हमने इसको यहाँ पर किस तरह से स्लिप गेज का यूज़ किया है, अलग अलग थिकनेस की स्लिप गेजेस को हमने यहाँ पुट किया है, रखा है कुछ राइट साइड कुछ लेफ्ट साइड। तो हमको यहाँ पे जब तक रखना है जब तक ये फ्लैट ना हो जाए, या मान लीजिए इसको भूल जाओ, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, मान लीजिए मैं कोई एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मुझे इस बॉक्स की हाइट को मेज़र करना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो आपको ये वैल्यूज़ तो पता है इन गेजेस की कितनी कितनी वैल्यूज़ है, तो आप इनको रखते जाओगे और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी।
ओके कीर्ति, समझ आया? अगर नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए, अभी कोई डाउट हो तो। और किसी को कोई डाउट हो जो भी यहाँ पर है पूछ लें। यस, जिसको डाउट क्लियर हो गया वो जा सकता है। क्षितिज, मैंने टिक कर दिया है, आप जा सकते हैं। कीर्ति, आपको समझ में आ गया स्लिप गेज या दोबारा रिपीट करूं? ओके थैंक यू। ठीक है, तो आज मैं कंक्लूड करता हूँ क्लास को यहाँ पे, आप लोग जा सकते हैं।